हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आसिफ। आप देख रहे हो आसिफ ऑटो टेक्नीशियन। ये फोर्ड इको स्पोर्ट्स गाड़ी, इसमें क्या मसला है? इसमें बैटरी चार्ज नहीं हो रही थी कस्टमर को, तो हमने चेक किया, इसमें ऑल्टरनेटर में फॉल्ट है। तो ऑल्टरनेटर को खोलने के लिए क्या क्या प्रोसीजर रहता है, ये हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसकी हेडलाइट हमने रिमूव करनी है, वो हमने रिमूव कर लिए। उसके बाद हम पहले बेलट को रिमूव कर लेते हैं, ये इसका टेंशनर है। ये हम आपको दिखाएंगे इसका बैलट कैसे रिमूव होता है। ये इसका टेंशनर है, इसको पीछे की तरफ देख सकते हो आप, इस वीडियो में देख सकते हो कैसे इसका बैलट रिमूव करना है। अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप उसको बोलते हैं जुगाड़ तरीके से आप इसका बैलट रिमूव कर सकते हैं। ये हम कैमरा साइड में रखते हैं तो आप देख सकते हो, यहाँ पे हम बैलट को रिमूव कर लेते हैं। आपको पूरी डिटेल में दिखाएंगे क्या क्या खोल लेना होता है, इसमें कैसे ऑल्टरनेटर जो है रिमूव हो जाता है गाड़ी से। ये हमने बैलट को रिमूव कर लिया है, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे क्या खोल लेना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे टेंशनर है, इसका टेंशन जब भी आपको बैलट खोलना हो या लगाना हो यहाँ से इसका एडजस्टमेंट रहता है। उसके बाद क्या खोल लेना है ये आप देख सकते हो, ये जो है टेंशनर में तीन बोल्ट रहते हैं, ये एक दो तीन 10 नंबर के बोल्ट रहते हैं। ये टेंशनर को हमें बाहर रिमूव करना है या हमें बाहर निकालना है, ये आप देख सकते हो तीन बोल्ट रहते हैं 10 नंबर, ये हमें रिमूव करना है। टेंशनर बाहर निकलेगा, उससे नीचे जो रहता है ऑल्टरनेटर के बोल्ट रहते हैं, एक बोल्ट रहता है, वो हमें उसके बाद रिमूव करना है। पहले हम टेंशनर को बाहर निकालेंगे, ये 10 नंबर बोल्ट रहते हैं, हमने एक को रिमूव कर लिया है। उसके बाद हमें दूसरे को खोल लेना है, ये हमने टेंशनर को बाहर निकाला, ये आप देख सकते हो तीन बोल्ट रहते हैं इसमें 10 नंबर बोल्ट। इसके बाद आप देख सकते हो ये भी हमने रिमूव कर लिया था पहले ही, जो अल्टरनेटर का है ये 16 नंबर का है, ये हमने रिमूव कर लिया है। अब हम आपको दिखाएंगे नीचे से क्या क्या खोल लेना है इसमें। ये आप देख सकते हो, अगर आपको सही काम करना है, प्रॉपर तरीके से काम करना है, बिल्कुल आसान तरीके से काम करना है, तो हम कंप्रेसर को बाहर निकालेंगे। इसके लिए 10 नंबर बोल्ट 4 रहते हैं, ये आप देख सकते हो, इसका कपलर हमें बाहर निकालना है। और उसके पीछे जो रहता है अल्टरनेटर के 16 नंबर 2 बोल्ट रहते हैं, ये हमें रिमूव करना है। और ऊपर की तरफ इसमें 4 बोल्ट रहते हैं टोटल मिला के अल्टरनेटर में 16 नंबर के, ये हमें रिमूव करने हैं। आप देख सकते हो ये नीचे साइड में है, ऊपर साइड का हमने एक खोल लिया है, अब इसमें 3 बोल्ट रह गए, ये हमें रिमूव करने। और कपलर देख सकते हो वीडियो में क्या क्या खोल लेना है इसमें। ये कपलर के पीछे एक 16 नंबर बोल्ट है, पहले हम इसी कंप्रेसर को रिमूव कर लेंगे, और ये जो पाइप है इसमें ये भी हम रिमूव कर लेंगे। ऊपर की तरफ जो अल्टरनेटर में कपलर रहता है ये हम रिमूव करेंगे, और जो मेन कनेक्शन रहता है जो बैटरी से आता है अल्टरनेटर तक, इसमें 13 नंबर नट रहता है, ये भी हमें रिमूव करना है। आप देख सकते हो एसी कंप्रेसर हमने निकाला है, और जो अल्टरनेटर वो भी हमने रिमूव कर लिया है। आप देख सकते हो कहाँ कहाँ इसके बोल्ट रहते हैं, यहाँ से ये देखिए, आप देख सकते हो एसी कंप्रेसर इसके 4 बोल्ट बड़े 10 नंबर 4 बोल्ट रहते हैं लॉन्ग टाइप में।
और ये एसी दो, एसी पाइप दो, यहाँ से अल्टरनेटर का एक बोल्ट रहता है 16 नंबर, और यहाँ से एक कुल मिला के 4 लगते हैं, यह हमें रिमूव करने होते हैं तो अल्टरनेटर इजली बाहर आ जाता है। तो जो हमने इसमें चेक किया, इसमें प्रॉब्लम जो है वो पुली जो रहती है अल्टरनेटर पुली, जिसमें बेलट बेलट रहता है, जिस पे बेलट चढ़ता है, वो इसमें फ्री हो चुका है। आप देख सकते हो इसमें कितना अंदर से ये जम गया है। ये आप देख सकते हो हमने इसमें जो पुली में वेल्डिंग कर ली है, ये आप देख सकते हो 4 टांके हमने इसमें लगाए, ये अब प्रॉपर तरीके से बंद हो चुकी है। तो ये इसका जो है चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पार्ट आपको मिल जाता है सस्ते में तो आप लगा सकते हो, अगर आपको पार्ट अवेलेबल नहीं है और महंगा भी है आप ऐसे जुगाड़ कर सकते हो। हमने इसमें ये लगाया है, ये अब बिल्कुल काम करेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, ये काम नहीं करेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, बिल्कुल ये काम करेगा। तो आप देख सकते हो हमने प्रॉपर तरीके से इसको बंद कर लिया। अब हम पीछे साइड से ये आप देख सकते हो इसमें हम थोड़ी सफाई करेंगे, कार्बन जम गया है, यहाँ से हम सफाई करेंगे, फिर वापस हम फिट करेंगे। इसके बिल्कुल कटआउट इसका बिल्कुल ठीक था, जो कटआउट में बुरश लगते हैं वो भी बिल्कुल सही थे। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा कार्बन जम गया है, इसमें हम सफाई मारेंगे, थोड़ी रेगमाल, फिर से हम फिट वापस करेंगे, जैसे हमने खोला था वैसे हम वापस लगाएंगे। हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, आप देख सकते हो बिल्कुल काम करा। अब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, अब यहाँ पे वोल्टेज भी चेक कर सकते हो, वहाँ से हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली है, आप देख सकते हो बिल्कुल काम कर रहा है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो आप कैसे चेक कर सकते हो अल्टरनेटर काम कर रहा है? आपको सिंपली गाड़ी स्टार्ट करनी है और बैटरी में जो दो कनेक्शन रहते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, दोनों दोनों कनेक्शन में एक कनेक्शन को बैटरी से हटा देना है, चाहे नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों कनेक्शन में से एक को हटा देना है। अगर आपकी गाड़ी बंद हो जाती है इसका मतलब है अल्टरनेटर काम नहीं कर रहा है। तो ये आप देख सकते हो हमने बैटरी से एक कनेक्शन को डिसकनेक्ट कर लिया है, गाड़ी स्टार्ट है, बिल्कुल ओके है, इसका मतलब है अल्टरनेटर काम कर रहा है, ये आप देख सकते हो। तो जो हमने इसमें काम किया वो बिल्कुल ओके है। जो हमने इसमें पुली जो है इसमें हमने वो वेल्डिंग के टांके लगाए, अगर आपके पास नहीं हो, नहीं अच्छी रहती है, मैं आपको नहीं बोल सकता हूँ ये, अगर आपके पास नहीं हो, कोई कस्टमर बोलता है नहीं आप इसमें कुछ करो, तो ये भी एक आप क्या बोल सकते हो, ये भी एक वे है, आप इससे भी ऐसे भी आप काम चला सकते हो। तो अगर आपके पास अवेलेबल है, सस्ते में मिल रहा है, तो आप नहीं लगा सकते हो। तो हमारा काम हो चुका है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।